नमस्कार, सेवन आई न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ आरती सिरवी। आई नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है। प्रदेश में कई जिलों में कोहरे से यातायात प्रभावित हुआ। वहीं तेलेन में कोहरे से स्कूल और यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल रहा। वही मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3-4 दिनों तक सर्दी और कोहरे का बढ़ने का आसार है। बिलासपुर के चाटीडीह के सब्जी बाजार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते बाजार में आग ने कई घूमटियों को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि स्थानीय लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग बढ़ती चली गई। उधर घटना की सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल गाड़ी ने आग पर काबू पाया। तब तक लाखों रुपए का नुकसान हो चुका था। बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे ने प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान शहर में चल रहे विकास कार्यों की अधिकारियों के साथ समीक्षा की। साथ ही गिरते स्थल, अमृत मिशन योजना और बुनियादी सुविधाओं के बारे में अधिकारियों से विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में नगर निगम के कमिश्नर सोलिम रंजन सहित अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। ये जो 82 करोड़ रुपए का जल आवर्धन योजना क्यों फेल हुई, क्या इस पे भी ये भी इशू है मेरे एजेंडे में? जल आवर्धन का भी है, जल स्तर का भी है, सफाई के ठेकों का भी है, टैक्सेशन के ठेकों का भी है, सीवरेज प्रोजेक्ट का भी है। बहुत सारे इशू हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं। देखिए क्या है, जनता की तकलीफें पिछले 15 वर्षों में जिस प्रकार से रही हैं और उन तकलीफों को जानने के बाद जनता ने बदलाव किया है और पूरे प्रदेश में बदलाव किया है, तो मुझे जनता की तकलीफें पता है और हमारे पार्षद साथियों ने भी काफ़ी सारी चीज़ें जनता की जानते हैं। तो हम लोग बेसिकली जनता से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, शहर के विकास की जो समस्याएं हैं और जो प्लानिंग की जो समस्याएं हैं, तीन प्रकार से बात होगी। एक जनता से जुड़ी समस्या, एक शहर की प्लानिंग को लेकर और एक क्या चल रहा है उसको लेकर और फिर टाइम लिमिट वगैरह। पन्ना जिले की सुनहरा रेत खदान में रेत माफियों में झड़प हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि ड्राइवर और सुनहरा रेत खदान के स्टीव कॉरपोरेशन मैनेजर में हाथापाई तक हो गई, जिसके चलते मैनेजर के गनमैन ने फायरिंग शुरू कर दी। वही ड्राइवर अपनी जान बचाकर मौके से फरार हो गया। उधर मौके पर पहुंची पुलिस ने विवाद को शांत कराया और जांच शुरू कर दी। दमोह के ग्रामीण क्षेत्र में प्राकृतिक जल स्रोत अभी से सूखने लगे, जिसके कारण फसलें सूखने लगी। जंगली जानवर पीने के पानी के लिए तरसने लगे हैं। वही प्रथरिया तहसील के ऑफिस लेबर कोर्ट के समीप पानी की तलाश में एक चीतल का बच्चा सूखे कुएं में जा गिरा। गनीमत रही कि इस दौरान चीतक के बच्चे को किसी भी प्रकार की चोट नहीं आई। घटना की सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद चीतक के बच्चे को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। बड़वा पुलिस ने यात्री बस से एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से 2 देसी पिस्तौल बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी संतोष यात्री बस से इंदौर जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर पंचमंडी होटल के सामने गिरफ्तार किया, जिसे पूछताछ में बताया कि वह पिस्तौल अलीगढ़ में बेचने जा रहा था। जो नीरज लोधी है और एएसआई संजीव पाटिल, आरक्षक नितिन और योगेश की टीम ने इनको पकड़ा है। बुधनी में पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने वार्ड 14 में रहने वाले सिकंदर को 1 जनवरी को उसके साथ पार्टी मनाने के लिए जंगल में ले गए थे, जिन्होंने उसको पीट पीट कर हत्या कर दी और शव को जंगल में छिपा दिया था। वही यह पूरा मामला प्रेम प्रसंग का होना बताया जा रहा है। ये मामला ये है कि बुधनी वार्ड नंबर 14 में रहने वाला सिकंदर उर्फ कांचा, ये इसकी पत्नी मुमताज ने दिनांक 2 तारीख की शाम को थाने पर सूचना दी थी कि उसका पति 1 तारीख को अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने कहीं गया था, जो अभी तक घर नहीं लौटा है। और इस सूचना पर हमने गुमशुदगी कायम की करके जांच की थी। जांच के दौरान इस सूचनाकर्ता महिला के भाई से जब पूछताछ की दिनांक 3 को, तो उसने बताया कि उसने फलाना 3 लोग, मतलब विजय और अरविंद और कपिल, ये तीनों गौंड जाति के लोग हैं, इनके साथ जमोनिया के जंगल की ओर जाते हुए देखा था। इस आधार पर जब विजय को राउंड अप करके पूछताछ की तो उसने हमें जानकारी दी कि कपिल और सिकंदर का किसी पारिवारिक कारण से
विवाद हो गया था और उस विवाद के चलते हम लोग उसको पार्टी के दौरान जमोनिया के सूखा नाला है वहाँ पे मारपीट करके उसकी हत्या कर दिए हैं और हत्या करके उसकी लाश को वहीं जंगल में नाले के किनारे छुपा दिए हैं। इस सूचना की जब तस्दीक की गई तो सिकंदर की लाश को वहाँ पे हम लोगों ने बरामद किया जंगल में विजय की निशानदेही पर, और उसके मृतक के साले सलीम ने उसकी पहचान की। थोड़ी देर में हमने उसकी पत्नी को भी वहाँ मौके पर बुलाया, उसने भी पहचान करके उसको सिकंदर उर्फ कांचा निवासी वार्ड नंबर 14 होना बताया, जिसके आधार पर 3 आरोपियों के विरुद्ध हत्या का अपराध, हत्या एवं साक्ष्यों को छुपाने का अपराध पंजीबद्ध किया गया। और उसी क्रम में हमने 3 तारीख को ही आरोपी विजय को गिरफ्तार किया और विजय की निशानदेही पर आज अरविंद गौण को भी गिरफ्तार कर लिया है। और अरविंद की निशानदेही पर कुछ साक्ष्य, जो मृतक के कुछ कपड़े उन लोगों ने घटना के दौरान वहीं घटनास्थल के आसपास छिपा दिए थे, उनको बरामद किया है। तीसरे आरोपी की तलाश सरगर्मी से की जा रही है, उसके परिजनों से भी सख्ती से पूछताछ की जा रही है कि वो घटना के बाद से कहाँ है। यही ये घटनाक्रम है और इसमें मुख्य कारण घटना का जो आप जानना चाहते हैं वो यही है कि कोई पारिवारिक कारण था। उसे कुछ ऐसी शंका थी कि कपिल की बहन से मृतक के कुछ संबंधों की उसको आशंका थी, जिसकी पुष्टि नहीं हुई। फिलहाल खबरों में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ लौटेंगे, तब तक आप बने रहे।